आपकी दुआ से मान भी जाइए। उठाइए ना। अरे चुप रहो छम्मो। आओ। ओ, 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 ये एक दुल्हन और दो गवाहों को लेकर कहाँ चले आ रहे हो तुम? ये पुलिस स्टेशन है, कोई मैरिज कोर्ट नहीं है। अरे हमारी शादी हो चुकी है, हम FIR लिखवाने आए हैं घूंघट उठा के। अच्छा अच्छा अच्छा, शादी हो गई है, उस बात की FIR लिखवानी है? नहीं। हाँ भाई हाँ? ना मारी बच्ची का मेल वर्जन नहीं नहीं चिल्लाने वाला, तू क्यों है? मैडम मेरा नाम उत्तेजित रस्तोगी है, घूंघट उठा के। उठाइए ना। चुप रहो छम्मो। अरे यो कौन हो रही दुल्हनुमा औरत? अरे ये औरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ये औरत नहीं है? एक मिनट। दिखती तो औरत जैसी है यार। अरे ये मेरी बीवी है छम्मो, घूंघट उठा के। उठाइए ना। अरे चुप रहो छम्मो। अरे यो के चाह रही है? मैडम ये चाह रही है कि मैं इसका घूंघट उठा दूं। मैडम हमारी नई नई शादी हुई थी, सुहागरात की सेज भी सजी थी, दूध का गिलास तैयार था, मेरा दिल भी बेकरार था, और जैसे ही मैं छम्मो का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ा तभी ये दोनों मेरी छत तोड़कर मेरे ऊपर आ गिरे। और मैडम मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। मैडम आप इनके खिलाफ FIR लिखी है। मैडम तुम एक हाथ से उठा दो ना घूंघट। अरे एक हाथ से घूंघट नहीं, बाल्टी उठाई जाती है घूंघट उठा के। मैडम आप इनके खिलाफ FIR लिखिए। हाँ भाई साइड ए साइड बी, क्या नाम हो रहा तारा जी? हमारा नाम है शर्मा, आपकी दुआ से। हमारा नाम है वर्मा, मान भी जाइए। अच्छा तो ऐसा है, इसकी छत तोड़ के इस पे क्यों कूदे हो? अब मैडम हुआ यूं कि हम बचत एयरलाइन से सफर कर रहे थे आपकी दुआ से, अब उनका जो हाल है वो हम आपको क्या बताएं आपकी दुआ से। क्यों वर्मा? हाँ शर्मा, मैडम हमने एयर होस्टेस से कॉफी मंगाई, वो एक कॉफी लेके आई, कहने लगी एडजस्ट कर लो, वो मुस्कुराई, हम उसकी मुस्कुराहट देखकर मान गए, मान भी चाहिए। मैडम उसके बाद हमें लगी ठंड, हम दोनों ने कहा हमें कंबल दे दो, वो फिर एक ही कंबल लेकर आई और कहा एडजस्ट कर लो, और हमने फिर एडजस्ट कर लिया क्योंकि वो फिर मुस्कुराई और हम शर्माए। और थोड़ी देर बाद कहने लगी कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, अरे हमने कहा पैराशूट तो दे दो, वो फिर एक पैराशूट लेके आई, मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट देखकर हम फिर मान गए, मान भी जाइए, और एक ही पैराशूट लेके उस प्लेन से कूद पड़े मैडम तुड़ुम, और कूद के जो है ना सीधे इसके हाथ पे गिर पड़े। मैडम जब हम कूदे थे तब हम कूदे थे, और फिर आधे रास्ते में जब वो पैराशूट अचानक हमसे अलग हो गया तब हम कूदे से गिरे हो गए। अरे के नाम बताया उस एयरलाइन का जिससे कूदे हो ना? बचत एयरलाइन। जरा स्टाफ को बुलवाओ, उसके जरा हम भी देखें। नमस्कार, हमारा विमान इमान पुलिस चौकी पर उतर चुका है, बाहर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, उम्मीद है आपकी यात्रा सुखद होगी। हम लोग टैक्सी से आए हैं। हाय, आई एम कैप्टन राहुल आर्यन। अच्छा है ना, कौन से एंगल से तू राहुल दिखे और कौन से आर्यन? और यो कौन हो रही ब्रेकिंग न्यूज? यह है मिस गोबरे, मेरी एयर होस्टल। प्याज की कचौड़ी? यस। ए वर्मा मैंने तुझसे कहा था ना फ्लाइट में प्याज की कचौड़ी जरूर है, पर तू मुकी मानते नहीं आपकी दुआ से। अरे क्या गंद मचा रखा था इन दोनों के संग। मैडम ये सरासर झूठ है, ये दोनों हमारे फ्लाइट में बैठे ही नहीं। चुप रहो छम्मो। मैडम ये केस मेरा है और इसकी FIR मैंने लिखवाई है, इसलिए प्लीज पहले मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा गणे उत्तेजित न तेने कह दी और मैंने सुन ली है। अपनी नए बार एक्साइटेड घूंघट बेटिंग बीबी ने लेके घर को निकल, और तुम दोनों शर्मा वर्मा तुम भी निकलो। उठाइए ना। यार बार बार कह रही है तुम बैठो मत यहां पे, चलो खुद उठ जाओ। तुम हाँ तो भाई मिस्टर एंड मिसेज एयरलाइन, तुम चलो जरा हमारे संग चलो। हाँ तो भाई कैप्टन राहुल, नहीं तू अपनी जबान चला रहा है या मैं गोली चला दूं? नहीं 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 मैडम, मैं ही अपनी जुबान चलाता हूँ। क्या है कि इस एयरलाइंस का मालिक जो है ना वो विदेश में रहता है, यहाँ पर मैं ही मालिक हूँ, मैं ही पायलट हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। दरअसल क्या है मैडम, मुझे कचौड़ी और पकौड़ी खाने की आदत है, और कभी कभी मैं जरा ज्यादा खा लेता हूँ तो प्लेन उड़ाते उड़ाते मैं सो जाता हूँ, और फिर प्लेन हिलने डुलने लगता है,
तो शायद गलती से इस मिस गोबरे ने समझा होगा कि फ्लाइट क्रैश हो रहा है, इसलिए इसने उस दोनों को एक पैराशूट देके नीचे उतार दिया। उतार नहीं दिया, कुदा दिया। तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम दिमाग से पैदल? मेरा मतलब है हमारी मैडम का दिमाग लोमड़ी। अरे यार हमारी मैडम बहुत इंटेलिजेंट है। ओके देखो तुम कानून के जाल में फंस चुके हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं 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 मैडम, अगर ये बात खुल गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैडम के होते हुए तुम नहीं होगे बर्बाद, लेकिन पहले हमें तो करो बात। ओके बाय। हाँ बात मैडम, मैडम मेरे पास चेकबुक है। ओहो भाई तो तू चेक फाड़ दे, हम थारे केस की फाइल फाड़ देते हैं। हाँ भाई ऐसा है, घूंघट तो तभी उठा करे है जब सुहाग रात हो, और सुहाग रात ना उसकी मना करे है जिसकी शादी हुई हो, और थारा तो यो प्रूफ ही ना मिल रहा कि यो छोरी जो थारे बाजू में बैठी से घूंघट तोड़ के यो थारी बीबी से। भाई कब हुई थारी इससे शादी, हमें तो ना बेरा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप मैडम घूंघट उठा के। ओ हमारी मैडम से ज्यादा बहस मत करो ओके, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की अड़ियल औरत। मेरा मतलब है मैडम को तुम्हारी शादी का सबूत चाहिए तो चाहिए। क्या नाम है तेरा यार, बड़ा मुश्किल सा नाम है। जो भी है पहले तू अपनी शादी का कोई प्रूफ लेके आ, फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। एक मिनट ये लीजिए मैडम, ये मेरी शादी का फोटो है और आप इसे देख लीजिए घूंघट उठा के। भाई ना ना भाई ऐसा है इससे कुछ साबित ना हो रहा, क्योंकि यो छोरी तो घूंघट में हो रही, फेस तो रिबील हो ही ना रहा। अब इस बात की के गारंटी हो रही है कि यो छोरी और यो फोटो वाली छोरी सेम हो रहे ना। यो भी हो सके है कि तैने नथुअल भाई को बिठा रखा हो और तू मिसेज घूंघट। भाई तू बालिग भी हो रही है या स्कूल से धर लाया यो तन्ने? मैडम जी हम तो दो बार बालिग हो चुकी हैं। दो बार? हाँ 36 साल की है ना हम, तो 18 और 18 कितने हुए? 36 हुए ना, तो दो बार बालिग हो चुके हैं हम। Yes! अरे चुप रहो छम्मो। मैडम अब वैसे हम भी अपनी बीवी को नहीं पहचानते, क्योंकि हमने इनका घूंघट ही नहीं उठाया है अब तक। घूंघट उठाया तो उठाइए ना। चुप रहो छम्मो। शांति शांति शांति। अरे यार कोई तो होगा जिसने शादी से पहले तुम्हारी बीवी की शक्ल देखी हो, जो प्रूव कर सके कि यही तुम्हारी बीवी है। है कौन? राम नारायण मौसा। रंगीला मौसा। अच्छा अच्छा मैडम मैडम आ गई। अब आप जरा मैडम के सामने बताइए कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ आपने इस लड़के की शादी तय की थी? वेल आई डाउट ये वही लड़की है। मुझे अच्छी तरह से याद है पहली बार जब हमने उसे देखा था तो उसने व्हाइट कलर की मिनी स्कर्ट पहन रखी थी और ऊपर पेस्टल येलो कलर का ट्यूब टॉप था और पैरों में उसके काले रंग की नकीली सैंडल्स। जी ओके। अरे यो किस प्रकार का इप्टीजिंग डिस्क्रिप्शन दिखे है? अरे ठीक से देख जजमेंट ले। ओके रंगीला रंगीला। टाइम इज ओवर मौसा। मैडम मैडम ये क्या, मेरे अलावा सभी लोग मेरी बीवी का घूंघट उठा उठा के देख रहे हैं। तो उठाइए ना। अरे चुप रहो छम्मो। भाई यो केस जितना सिंपल दिखे उतना है कतई कोई ना। भाई तुम दोनों कल को आना, कल तक कुछ सोच के रखेंगे हम। ओके और तू यूजलेस मौसा निकल यहां से। ओके मौसा देखना डस्टबिन में फेंकवा दूंगा सुबह ही सुबह। बट आई डाउट। उठाइए ना। अरे चुप रहो छम्मो। ओ बेकरार तमन्नाओं की बेचैन आत्मा, ना ठान रख ले थोड़ी सी, नहीं उठने वाला है थारा घूंघट भी और इस केस से पर्दा भी। हाँ बेटा गुलगुले सूर्य जा बेटा। थैंक यू माय लॉर्ड। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और सारी तफ्तीश करने के बाद
ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये शर्मा वर्मा किसी प्लेन से कूदे ही नहीं थे, बल्कि प्लान बनाकर कूदे थे। जब इन दोनों को पता चला कि इनका ये दोस्त शादी करने वाला है और सुहाग रात मनाने वाला है, इन दोनों से रहा नहीं गया और ये जानबूझकर उस सुहाग रात में कूद पड़े उस सुहाग रात को रोकने के लिए। क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत ही करीबी दोस्त हैं मिलॉर्ड, बहुत ही करीबी, इतने करीब कि ये उस दोस्ताना टाइप के करीब के दोस्त हैं। These three boys are लंगोटियाज। लंगोटिया? ये मैडम ये सब क्या हो रहा है आपकी दुआ से? अरे गलत है मैडम, साक्षात गलत है, मान जाइए ना। You shut up! तुम लोग क्या कहना चाहते हो, मम्मी जी झूठ बोलती हैं? जी नहीं, हम कहना चाहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। इस वर्मा से भी पहली बार मैं फ्लाइट में ही मिला था आपकी दुआ से। आप उस बचत एयरलाइंस पर कार्रवाई कीजिए मैडम। ना किस पे कार्रवाई करनी है और केस कैसे सॉल्व करना है तू सिखाएगा मन्ने? हैं? Oh, no. भाई ऐसा है ना, यो डिसाइड करने के लिए कि तुम तेनो न किस टाइप के फ्रेंडली करीबी इंटीमेट दोस्ताना टाइप फ्रेंड्स हो रहे हो कि ना हो रहे हो, ना मैं जो है कि क्वेश्चन आंसर राउंड खेलूंगी। तो पहले क्वेश्चन का जो है आंसर यो दोनों देंगे और फिर तुम तीनों एक साथ दोगे। ओके रेडी? रेडी। ओके भाई, संडे के बाद कौन सा दिन आवे है? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे। गुड, वेरी गुड। दिसंबर के बाद कौन सा महीना आवे? जून, जुलाई, जनवरी, वेरी गुड। और भाई चार के बाद कौन सा नंबर आवे? आठ, नाइन, पांच। भाई ऐसा है कि इन दोनों ने तो दिया अलग अलग आंसर, लेकिन तुम तीनों की कोऑर्डिनेशन यानी कि थॉट की मैचिंग इतनी बढ़िया रही है, इससे प्रूफ हो गया है कि तुम तीनों घनिष्ठ मित्र यानी कि उस टाइप के एकदम इंटीमेट फ्रेंड्स हो। oh, no. तो पुलिस को बरगलाने और झूठी एफआईआर लिखाने के खिलाफ तुम तीनों आर अंडर अरेस्ट। उठाइए ना। अरे चुप रहो चम्मा। उठाइए ना। अरे चुप रहो चम्मो, उठाइए ना। भाई लो ना, हमने जो वादा करा था निभा दिया है। थैंक्स थैंक्स मैडम। मैडम मैडम, ये रहा आपका हिस्सा, हमारा वो गैर कानूनी माल जो आपने पुलिस के गोडाउन में रखवाया था, हमारे आदमियों ने आपके आदमियों से उसकी डिलीवरी ले ली है। बस मैडम, ऐसे ही हमारा माल आता रहे, आप उसे गोडाउन में रखती रहे और हम आपको हिस्सा देते रहे। अच्छा चलता हूँ मैडम। थैंक यू जेके सेठ। मैडम आपका ये काम भी है? भाई चौकी और चौका चलाने के लिए ना घने सारे काम करने पड़े हैं। तू बोल, थारा कोई काम हो तो हम वो भी निपटा दें। काम तो है मैडम, और वो भी करोड़ों का है। मैडम बात यह है कि हमारा असली बिजनेस तो प्लेन की आड़ में चल रहा है। क्या है कि हम लोग ड्रग सप्लाई करते हैं। जिस एरिया में मैं ड्रग सप्लाई करनी होती है, जैसे ही हमारा फ्लाइट उस शहर के ऊपर से गुजरता है कि तुरंत ही प्लेन क्रैश होने वाला है, ऐसा बोल के लोगों को पैनिक कर देते हैं और फिर ड्रग से भरे पैराशूट के साथ आदमी को हम नीचे कूदवा देते हैं। और हाँ, जैसे ही आदमी ड्रग से भरा पैराशूट खोलने के लिए खींचते हैं, वो पैराशूट अलग होकर कहीं दूर गिरता है और जहां गिरता है वहां से हमारे आदमी उसे उठा लेते हैं। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस विमान में चार मुख्य द्वार हैं, दो आगे की तरफ और चार पीछे की तरफ। मूली के पराठे? यस। आपके एरिया में भी हमें बड़ी डिलीवरी करवानी है, अगर आप। बस ये मैं सब समझ गई हूँ, डील आज रात 11 बजे होगी। माल और 10 लाख रुपए लेके जो है ना, चौकी में आ जाइयो। यस। ओके क्लियर। चलो मिस कोबरे, चलो चलो चलो। तू कतई फूड एक्सपर्ट हो रहा है? आज रात 11 बजे FIR।
कौन है? मैं हूं। आइए आइए मैडम आइए, यह है हमारा ड्रग्स वाला बैग जिसे आप अपने गोडाउन में रख देगी और वहां से हमारा आदमी उसे ले जाएगा और आपको 10 लाख रुपया दे जाएगा। Oh, no. ये क्या है? यो सै चंद्रमुखी चौटाला का फेमस रैप्टर। तने के पुलिस को हलवा समझ रखा है जो तू चट करके खा जाएगा। मन्ने तो थारे पर पहले से ही शक था और मन्ने जो है ना हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन भी आई थी कि कुछ लोग ना हवाई रास्ते से ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। और थारी बदकिस्मती यो थी बेटा कि वो शर्मा वर्मा उस उत्तेजित के घर पर आ गिरे और वो यहाँ आ गया FIR लिखवाने। oh, no. भाई मैं चाहती ना तो तन्ने तभी अरेस्ट कर लेती, पर मन्ने चाहिए था यो सबूत और तन्ने रंगे हाथों पकड़ना। खेल तो तुमने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन अगर तुम चंद्रमुखी चौटाला हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं। जरा बैग खोलो और निकाल लो सबूत, निकालो। निकाल लिया सबूत है? अब तुम्हारे पास मेरे खिलाफ ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। हाय हाय, अब तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती हो। भाई यो तो तेने घनी सही बात करी है। जो तू अपनी इस ब्रेकिंग न्यूज का महबूबा कम है और हॉस्टेस की जान बचाना चाह रहा है ना, तो ये अपना गुनाह कबूल कर वरना मैं साली ने ऊपर पहुंचाती हूँ बगैर प्लान के। अरे ये मरती है तो मरे। oh, no. मैं इसके लिए अपने आप को कानून के जाल में नहीं फंसाऊंगा। मैं तो चला। अरे मोटी चीज, मैंने तेरे प्यार में कितनी सारी प्याज के पकौड़े और अजवाइन की कचौरियाँ बनाई। मैडम इस आदमी के खिलाफ मैं आपको गवाही दूंगी। गुड गुड, लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। चल हट। बस खड़ा हो गया थारा नाटक। गोपी जी, अरे साले ने हाँ तो भाई शर्मा वर्मा, यो सब नाटक जो है ना मैंने केस सॉल्व करने के लिए करा था, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं मैडम, आपकी दुआ से। तो भाई निकलो यहाँ से, हैं निकलो। जी मैडम, मैं इन्हें छोड़ दूँ? ले जाओ छोड़ दे। आइए आइए, आपको छोड़ देता हूँ। आप रहती कहाँ? उठाइए ना। अरे चुप रहो छम्मो। मैडम अब मेरा क्या होगा? भाई तू तो हमारा चीफ गेस्ट हो रहा है। भाई थारे लिए तो जो है ना हमने स्पेशल घूंघट उठाओ सेरेमनी अरेंज करी है, गुलगुले डेकोरेशन कर रहा है और आज तू सबके सामने इसका घूंघट उठाएगा, हम तन्ने ब्लेसिंग्स देंगे। और भाई ऐसा है घूंघट तो एक ही हाथ से उठाना पड़ेगा आज। ठीक है मैडम, कोशिश करेंगे। ओके। अरे सॉरी सॉरी यार सॉरी, बस तुम्हारी सेरेमनी के लिए ऊपर पंखे पर डेकोरेशन कर रहा था पर वहां पर दिखाई दी मुझे एक मकड़ी और उसका जाला। मैडम इसने मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ डाला। उठाइए ना। रब वाओ मैडम, यहाँ एक कमरा अगर आप अरेंज करा दे।